इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर जारी माथापच्ची के बीच मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने अपने 16 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारकर न सिर्फ बीजेपी बल्कि अपने सहयोगियों को भी चौंका दिया। इसी लिस्ट में अखिलेश ने मायावती के खिलाफ बड़ा दांव चल दिया है। अखिलेश ने उनके ही गढ़ अम्बेडकर नगर से पूर्वांचल के कद्दावर नेता लालजी वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। चलिए आपको बताते हैं कि लालजी वर्मा हैं कौन और उनका मायावती से कनेक्शन क्या था। वर्तमान में लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट से विधायक हैं। लालजी वर्मा बसपा सुप्रीमो के करीबी और विश्वास पात्र माने जाते रहे हैं। वो बसपा के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। लालजी वर्मा ने छात्र राजनीति से पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। वो बसपा के बनने के बाद से ही इससे जुड़ गए थे, यानी वो काशीराम के समय से बसपा से जुड़े थे। 1986 में लालजी वर्मा पहली बार MLC बने, तब से लेकर अब तक 5 बार विधायक रह चुके हैं। 2014 में उन्होंने श्रावस्ती सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले लालजी वर्मा ने सपा का दामन थाम लिया था। अम्बेडकर नगर की सीट अखिलेश के लिए क्यों अहम है और यहाँ का जातिगत समीकरण क्या कहता है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। माना जाता है कि अम्बेडकर नगर में करीब 2.5 लाख कुर्मी वोटर हैं और 2011 की जनगणना के मुताबिक अम्बेडकर नगर की आबादी 24 लाख है। यहाँ पर 12,01,000 पुरुष और 11,90,000 महिलाएं हैं। इनमें 75% आबादी सामान्य वर्ग और 25% आबादी अनुसूचित जाति की है। 29 सितंबर 1995 को ही मायावती ने इस जिले की स्थापना की थी। अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट को ही मायावती का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहां से ही बसपा सुप्रीमो ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और मायावती की सरकार में लालजी वर्मा मंत्री भी बने थे। इसीलिए जातिगत समीकरण के लिहाज से लालजी वर्मा को चुनकर अखिलेश ने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि लालजी वर्मा का अम्बेडकर नगर और आसपास के जिलों में अच्छा खासा प्रभाव है। 75 साल से सियासत में सक्रिय लालजी वर्मा की सभी वर्गों के मतदाताओं पर मजबूत पकड़ भी मानी जाती है। बता दें कि सपा की लिस्ट आने से पहले ही उनके नाम को लेकर चर्चा चल रही थी और आखिरकार अखिलेश ने उनके नाम पर मोहर लगा ही दी।